हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। दिस साइड इज प्रद्युमन एंड वेलकमिंग यू ऑल टू योर ओन चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडी। तो गाइज, आज मैं वापस आपसे जुड़ चुका हूँ अपने फेवरेट स्पॉट के पास से, मतलब अपने घर के छत से बेसिकली। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ। पहले तो बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि पिछले 7 दिन मैं नहीं डाल पाया था वीडियो, जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ रेसिपी शूट कर रहा था, साथ ही जो बॉडी पेन था बहुत ज़्यादा था वैक्सीनेशन होने के बाद। और गाइज, एक और बात आपसे शेयर करनी है कि गाइज, मेरे बाल जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। जोक सपाट, अब टॉपिक पे आते हैं कि ये वीडियो किस चीज़ को लेके हैं। तो गाइज, बेसिकली मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपसे मैगी की रेसिपी। भाई साहब, मैगी किसे पसंद नहीं होती, मतलब हम जैसे स्टूडेंट के लिए वो 2 मिनट वाली मैगी, जो कि कभी 2 मिनट में प्रिपेयर्ड ही नहीं होती। भाई, अगर आपकी मैगी 2 मिनट में कभी भी बनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मैगी कभी 2 मिनट में बनी है, कभी भी बताओ बताओ। और गाइज, साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मसाला चाय की रेसिपी, क्योंकि जो मौसम हो रखा है ना भाई साहब, बड़ा ही बेईमान है। तो मौसम में अगर चाय मिल जाए तो भाई साहब आह मज़ा ही आ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, जो वीडियो है उसको लाइक करो, जाके कमेंट करना कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ चीज़ मैगी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ड ग्रीन चिली, गार्लिक, करी लिप्स, चीज़, मैगी मसाला, पिज्ज़ा सीजनिंग्स, ऑर्गेनो, सॉल्ट, चॉप्ड अनियंस, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर, हल्दी पाउडर और ऑब्वियसली मैगी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सरसों तेल। फिर जब सरसों तेल हमारा गरम होने लगे तब उसमें फ़ौरन देंगे जीरा और करी पत्ता का। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और ग्रीन चिल्ली। उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे ताकि ये चिपके ना। इसके थोड़ी देर बाद हम डालेंगे प्याज और प्याज को हल्का ब्राउन कलर आने तक भूनते रहेंगे। आप देख सकते हो कि जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैगी। आप चाहो तो मैगी को ऐसे भी डाल सकते हो, आप चाहो तो मैगी को थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हो। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे और पानी में उबाल आने तक वेट करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर और गोलकी पाउडर। अगर आप चाहो तो आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हो, बट मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड देन वी विल ऐड मैगी मसाला टू इट एंड वी विल स्टीयर इट वेल। आप देख सकते हो कि जो हमारी मैगी है वो ड्राई हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स एंड पिज्ज़ा सीजनिंग्स। और यहाँ हमारी चीज़ मैगी होती है रेडी। तो गाइस, एंजॉय एंड मस्ट योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ मसाला चाय की रेसिपी, जो कि मेरा खुद का रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सॉस पैन में 2 ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी लेंगे। उसके बाद उसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा वाइल कर लेंगे। जब तक हमारा दूध वाइल होता है तब तक हम मसाला का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे दालचीनी, छोटी इलायची और अदरक, जिसे हम कूट कर उसके बाद हम एज अ मसाला यूज़ करेंगे। जब दूध में उबाल आने लगे तब हम ऐड करेंगे शुगर, ताकि हमारा जो शुगर है वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करा है वो। उसके बाद हम उसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, ताकि कहीं ना कहीं वो चिपक ना जाए। एंड फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे चाय पत्ती। उसके बाद
दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे, और बीच बीच में मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हम उसे कहीं ना कहीं चलाते रहेंगे, और हम वेट करेंगे जब तक दूध का कलर चेंज नहीं हो जाता बिल्कुल चाय की तरह। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो चाय का कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। बाय गॉड, गाइस आप देख सकते हो कि जो चाय का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, धीरे धीरे ये ऑरेंजेस कलर में आ रहा है, मतलब हमारा जो चाय है वो ऑलमोस्ट रेडी है। सच बताऊँ तो इस बारिश के मौसम में अगर ये चाय मिल जाए तो वाह वही वाह। तो गाइस आप भी ट्राई करो और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करो। हाँ भाई, तो मुँह में आ गया ना पानी, आई कैन बेट ऑन दिस यार जरूर आ गया होगा, क्योंकि मैं जब बना रहा था तब तो आई वाज लाइक कि यार कब बनेगा कब खाऊंगा, मैं अभी अभी खा के आया हूँ। और गाइस बात है रेटिंग की, तो मसाला चाय आई रेट 5 out of 5, क्या बना था भाई साहब, खुद की रेसिपी और खुद के हाथों का स्वाद, ओहो। और बात करें चीज़ मैगी की, तो भाई साहब चीज़ मैगी को मैं प्रोवाइड करूँ 4 out of 5, क्योंकि भाई मैगी तो प्यार है यार, अल्टीमेट वाला चीज़। और ये बोलूँ तो ये जो होता है ना कॉम्बिनेशन, वाओ जस्ट वाओ, जस्ट कांट एक्सप्लेन। आप भी ट्राई करो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो, और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, एंड आई नो कि आपके मुंह में पानी आ गया है, आया ना। ओके गाइस जोक्स अपार्ट, अभी एक काम और करना है आपको, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर आपने अभी तक नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ अगले ब्लॉग्स को लेके, आपको डेली वहाँ पे पोस्ट मिलेगा। From date 9th December 2020, I haven't missed a single day to post on Instagram. तो समझ सकते हो आप कि वहाँ पे आपको YouTube से ज़्यादा कुछ मिलेगा। And guys, please do take care and be our family. Instagram का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। And Instagram पे तो आपने फॉलो कर लिया, एक काम आपके लिए और है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने WhatsApp ग्रुप में। Also, do subscribe to World of Foodie. अगर आप नहीं करोगे तो दोस्त कैसे करेंगे यार, बताओ। साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करो। ऑल्सो आई मीट यू एवरी थर्ड डे, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे पॉजिटिव।